इसलिए ज्ञानचंद प्रभु के घर में आज हम सबके सब एकत्र हुए हैं। ज्ञान होता है पता जी, आप बात मत करो, इधर घूम कर बैठो, ज्यादा बोलते हो, इधर घूम कर बैठो। कथा सुनते आपसे कथा। आज हम लोगों का बड़ा भाग्यवान है जो कि आज हम सबके सब यहाँ पर भगवान की कथा सुनने के लिए और घर में भगवान की कीर्तन हो रहा है। इसलिए हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, यदि न गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाई। इसका मतलब है जिस दिन घर में साधु संत लोग आए, जिस दिन घर में हरि कथा हरि कीर्तन हो, तो घर घर नहीं रह गया है, वही घर ही भगवान की धाम बन गया, वो वृंदावन धाम बन गया है। ठाकुर जी कहते मैं कहाँ रहता हूँ, कहते केवल जहाँ पर मेरे भक्त लोग एकत्रित होकर के मेरे कीर्तन और कथा करते हैं, मैं वहीं पर रहता हूँ। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सर्वाणी तीर्थानी बसंती तत्र जथा चुतादर कथा प्रसंग। इसका मतलब है जिस घर में भगवान की कीर्तन हरि कथा हो, कहते पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ वहीं पर आ गए। सारे तीर्थ में पृथ्वी में कितना तीर्थ है, बोले 6 अरब। कितने? 1 अरब कितना होता है? 1 अरब होता है 100 करोड़। बोले 600 करोड़ तीर्थ उसी दिन उसी घर में आ गए। और तुम लोग ने, हम लोग ने क्या किया, मानो घर में बैठी बैठी करके 600 करोड़ तीर्थ में हमने नहा लिया। ताली बजाओ तुम लोगों के लिए जो बिना पैसा के, बिना पैसा के सबके सब सारे तीर्थ में हम यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। है देखो, एक समय जैसे यहाँ पर सत्संग हो रही ना, हरि कथा हो रही है यहाँ पर, एक दिन ऐसे ही किसी स्थान पर ऐसे ठाकुर की कथा हरि चर्चा हो रही थी, कोई एक संत बैठे हुए थे जो बड़े भावुक थे, वो कथा सुनते सुनते इतने भाव में वो डूब गए, इतने भाव में डूब गए, एकदम बैठ रह गए, सबके सब लोग चले गए। जब उसकी आंख खुली, उन्होंने एक आश्चर्य घटना देखा। क्या देखा? बोले एक काला घोड़ा कहीं से भाग भाग कर आ रहा है, और आकर के जहां पर ये हरि चर्चा हो रही थी हरि कीर्तन, वहां पर उसने लोटपोट खाने लग गया। वो देखने में एकदम काले था, लेकिन जितना वो लोटपोट खा रहा था ना, वो देखा उसका शरीर धीरे 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 एकदम सोने बन गया, चमचमाने लग गई। वो संत समझ गए ये घोड़ा कोई घोड़ा नहीं, क्योंकि पहले तो काला था, लेकिन यहाँ लोट पोट खाते खाते सोना कैसे हो गया। तो उन्होंने पूछा, महात्मा जी आप कौन हो? देखो क्या परिचय देता है। बोले मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। प्रयाग गए हो? कौन कौन गया प्रयाग? हाँ, घर में बैठे सब। इसलिए प्रयाग उसको कहते तीर्थराज है, क्योंकि जितने तीर्थ में ये सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, क्योंकि यहाँ पर गंगा जमुना और सरस्वती, गंगा कितने महिमा, यमुना की 100 गुण गंगा से भी महिमा यमुना की, और यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदी जहाँ पर मिलता है, इसलिए वहां पर कुंभ मिलता पड़ता है ना, कुंभ मिलता है, करोड़ों करोड़ों लोग वहाँ नहाने के लिए आते हैं, रोज जाओ लाख लाख लोग वहां पर नहाते हैं। इसलिए बोले भैया तुम कौन हो? बोले मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। बोले मैंने देखा पहले आप काले रंग थे और यहाँ लोट पोट खाते खाते सोने हो गए, कैसे? तो वो कहते हैं जितने पापी हम कहते ना, चलो गंगा नहा करके पाप धो आएंगे, बोलते हैं ना, है? बोले सब कुल लोग आते लाख लाख, आप कभी कभी भी जाओ लाख लाख लोग देखोगे नहा रहे। बोले सब पाप धोने जाते हैं। बोले पाप, पाप से, पाप की बोझ से मेरा शरीर तक काला होने जाता है। बोले यहाँ पर लोट पोट क्यों खा रहे थे? देखो कितने महत्व जहाँ कथा हो। बोले थोड़ी देर पहले यहाँ सत्संग हो रही थी ना हरि कथा। बोले हाँ। बोले जहाँ पर हरि चर्चा हो, पृथ्वी का सारे तीर्थ हो यहाँ जाते हैं, वो स्थान एकदम पवित्र बन जाती है जहाँ पर हरि की चर्चा और हरि कथा हो। ठाकुर स्वयं कहते हैं, मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहीं पर रहता हूँ। कहाँ पर? जहाँ पर मेरे भक्त लोग मेरे कीर्तन मेरी हरि कथा करते हैं, वहीं रहता हूँ मैं। ठाकुर जी स्वयं वहां पर आ जाता है। इसलिए कल सुन रहे थे ना, जब श्री गर्गाचार्य नंद बाबा के घर में आए, नंद बाबा कृष्ण के पिता,
लेकिन वो सत्संग की महिमा कह रहे हैं। बोले आज हमारे घर धन्य हो गया, क्यों? आज घर में संत आए, घर में सत्संग हरि कीर्तन होगा। वो कहते हैं जब तक घर में कोई संत नहीं आते तो वो क्या कहते हैं, वो क्या है? कहते हैं कि बील है। बोले किस चीज की बील है? बोले जिसमें केवल जहरीले सांप रहते हैं। कौन रहते हैं? जहरीले सांप। मतलब क्या है? जिस घर में साधु संतों का पदार्पण नहीं हो, जिस घर में हरि कथा नहीं हो, जहरीले सांप। मतलब क्या है? जैसे सांप का जहर होता है ना, ऐसे ही घर में केवल निंदा, चुगली, परचर्चा, भगवान की कथा को छोड़ करके सारा दुनिया की बात होता है। कहते हो कि बील है जिसमें जहरीले सांप निवास करते हैं। कहते हो शमशान भूमि है, लेकिन जिस घर में संतों का समागम होता है, देखना संत आएंगे, हमें समझाएंगे, हरि भजन करो, हरि नाम करो, ठाकुर का सेवा पूजा करो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, संतों को तो नहीं बुलाएंगे क्योंकि थोड़ा पैसा खर्चा होगा। किसको बुलाएंगे? दारू पीने वाले, मांस खाने वाले लफंग को बुला करके भक्ता ने गंदी गंदी बिस्कुट डांस के ऊपर में नाच नचवाएंगे। लेकिन संतों को नहीं बुलाएंगे क्योंकि थोड़ी पैसा खर्चा हो जाएगा ना। अरे जो संतों को जो पैसा दोगे, संत क्या करेंगे? ठाकुर को सेवा में तो लगाएंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे। जब तक पैसा कोई भगवान की सेवा में नहीं लगता है ना, वो लक्ष्मी घर में सुख शांति नहीं देती है। क्यों? लक्ष्मी तुम्हारी नहीं, लक्ष्मी ठाकुर जी की है। ये तभी ये लक्ष्मी प्रसन्न होती है जब वो ठाकुर को सेवा में लगे। दुनियादारी सेवा में लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती है, हैं? इसलिए संतों को बुलाएंगे तो क्या होगा? घर में हरि चर्चा होगी, बच्चों को समझाएंगे, हरि नाम करो, भगवान की भजन करो, भगवान की भक्ति करो, यही तो समझाएंगे। इसलिए श्री गर्गाचार्य नंद बाबा कहते हैं महत बिचल नाम नृणाम गृहिणाम दीन चतसाम। नंद बाबा कह रहे बात को, हम तो दीनहीन व्यक्ति। बोले क्यों? दिन भर संसार में क्या होता है? सबेरे से लेकर के चावल है कि नहीं, आटा है कि नहीं, नमक है कि नहीं, हल्दी है कि नहीं, सब्जी है कि नहीं, टमाटर है कि नहीं, यही तो चिंता करते हैं सबेरे उठकर। क्या और क्या चिंता होती है बताओ? नानी हाँ, लवण हल्दी, इससे ही जिंदगी भर तेल में ही जिंदगी भर बीतता, और क्या बीतता। लेकिन जब संत लोग आएंगे तब तो समझाएंगे हमें, भैया ये जीवन क्यों मिला है, किस लिए ठाकुर जीवन दिए है, भजन के लिए दिए है, जीवन को बर्बाद मत करो। एक श्वास अगर चला गया ना, करोड़ों पैसा देने पर भी एक श्वास को हम वापस नहीं ला सकते हैं। जैसे अंबानी, अगर डॉक्टर ने बोल दिया इसका अंतिम श्वास है, अंबानी का उसका परिवार बोले तुमको चार कोहिनूर हीरे दे रहे हैं, चार श्वास वापस लाओ, ला सकते हो? नहीं ला सकते। ये मानव शरीर नहीं, कोहिनूर हीरे ठाकुर जी दिए। इसलिए भगवान राम स्वयं कहते हैं साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा। भगवान राम अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं, कहते हे अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, कोहिनूर हीरे ठाकुर जी दिए तुम्हें। आप बताओ 84 लाख योनि में मानव के सिवाय किसी को पूछ लो, हरे कृष्ण 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 बोलो, हरे राम बोलो, कोई बोल सकता है? कोई राम राम राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोल सकता है? कोई कथा सुन सकती है? कोई भगवान को दर्शन कर सकते हैं? कोई इन्हीं हाथों से ठाकुर को सेवा कर सकते हैं क्या? बोलो, कोई कर सकते हैं? इसलिए भगवान कह रहे हैं अयोध्या वासियों, ये 84 लाख जन्म के बाद में तुमको कोहिनूर हीरे ठाकुर जी दिए, कोहिनूर हीरे ठाकुर जी दिए। ये मानव शरीर नहीं, कहते ये साधन धाम। मतलब क्या? इसी शरीर से ही भगवान की भक्ति तुम कर सकते हो। कहते मोक्ष करे द्वारा, कहते ये मानव शरीर नहीं, ये मुक्ति की दरवाजा पर तुम पहुंचे हो। कौन कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान राम कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? अयोध्या वासियों को। लेकिन पाई न जई पर लोक सवारा, लेकिन जिसको मानव शरीर ठाकुर दिया, दिन भर मेढक जैसे टट्टर टट्टर करते रहे, लेकिन भगवान की हरिनाम नहीं किया, भजन नहीं किया, ऐसे ही जीवन को बिता दिए। भगवान कहते फिर अगले जीवन में फिर वही पेड़ पौधा लता पता जन्म दे देंगे, लेकिन ठाकुर जी मानव शरीर तुम्हें नहीं देगा। बताओ ये कौन समझाएगा? तुम्हारे यार दोस्त समझाएंगे? जिनको बुलाओगे घर में उल्टा पुल्टा लोग समझाएंगे ना? संत समझाएंगे? कौन समझाएगा? संत ही समझाते हैं। इसलिए श्री भगवान पृथु कहते हैं तुलयाम लभे नापि न स्वर्ग नापु नर भव। हनुमान का नाम सुने हो? कौन कौन हनुमान का नाम जानते हो? सब जानते हो। जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने गए,
अब रामायण देखे होंगे, हनुमान तो छोटे बनकर जाना चाह रहे थे, स्त्रियों से कौन लड़ता है। लेकिन जब हनुमान छोटे बनकर घुसने जा रहे थे, लंकिनी थी, बोले कौन है तू, मेरे आंख में है क्या चला करके धूल झोंक करके जाना चाहे, कौन है तू है। हनुमान जी ने बोला भैया बिना कारण से स्त्री से लड़ाई हो रही है। इतने में हनुमान सोच रहे थे लड़ाई करके क्या लाभ। जब बोले ना हनुमान जी कारण क्या विशाल रूप, मारे एक मुक्का लंकिनी की, एक मुक्का से उनको छक्का छुड़ा दी, उनकी छक्का छुड़ा दी। लेकिन हनुमान जी संत है ना, लेकिन देखो संतों की अगर गुलचा भी खाए ना तभी कल्याण हो जाए। अगर संत लोग तुमको थप्पड़ भी मार दे ना तभी तुम्हारी कल्याण हो जाएगी। लेकिन हनुमान तो मारे एक मुक्का, उसको मुंह से खून उल्टी होने लग गई। लेकिन हनुमान जी भक्त है, संत है, वो कह रही है बोले तात स्वर्ग अप भर्ग सुख धरिए तुला एक अंग। वो उदाहरण दे रहे हैं एक तराजू लो, तराजू के एक तरफ में स्वर्ग अप भर्ग सुख मतलब किया है, कहते ये पृथ्वी लोक में जितना आनंद है, अच्छे तरह सुनो साधु संघ की क्या महिमा, पृथ्वी लोक में जितने आनंद है उससे 100 गुण ज्यादा आनंद स्वर्ग लोक में, 100 गुण ज्यादा। बोले स्वर्ग लोक में जितने आनंद है उसको मोहलोक में और 100 गुण ज्यादा आनंद है, वो मोहलोक में जितना आनंद है उससे 100 गुण तपोलोक में आनंद है, तपोलोक में जितना आनंद है उसका 100 गुण सत्यलोक में आनंद है। लेकिन उसको ऊपर में कहते कौन सा लोग, बोले मुक्ति मार्ग। लेकिन यहाँ पर वो लंकिनी कहती है सत्संग की महिमा, ये पृथ्वी लोक से लेकर के मुक्ति लोक तक जितने आनंद है, अगर तुम सारे आनंदों को एक तो कर लोगे तो एक लाभ साधु संघ को साथ में बराबर नहीं कर सकते हो। एक लाभ कितना होता है, जैसे 1 सेकंड हो गया, उसको 11वां भाग करो, 11वां भाग का जो 1वां भाग को एक लाभ कहते हैं। इतने कम समय लंकिनी कह रही है हनुमान की कुलचा खा करके, अगर इतना समय कोई संत संग कर लेना बस क्या होगा, सब मिल करके भी सत्संग के साथ में बराबर नहीं कर सकते। इसलिए आज समझो हमारी कितने भाग है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जगत में 2 चीज की बड़ा कीमत है, बोले संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये 2 चीज दुर्लभ क्या है, संत समागम, हम भी आज संतों का संगत दर्शन, हरि कथा। लेकिन देखो आज 2 चीज हम मिल रहा है कि नहीं, ताली बजाओ जोर से, हमें तो आखिर ये 2 चीज हमें साधन, ये 2 चीज हमें मिल रहा है, हैं? इसलिए ये मत समझो साधारण भाग्य से संत लोग आगे थोड़ा नाच के निकल गए, ये मत समझो, ये चीज को मत समझो। ये शंकर जी स्वयं कहते पार्वती को, किसको कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, शंकर जी। अगर कोई बात को एरे गेरे कोई व्यक्ति बोले ना है उसका क्या महत्व है, उसका बात क्या क्या महत्व, हम बोलते है ना। लेकिन कोई अगर मोदी कोई बात बोले भैया जरूर कुछ दम है कि मोदी बोल रहा है, लेकिन मोदी से शंकर जी कितने बड़े हैं, सत्यम शिवम। वो शंकर जी स्वयं कहते पार्वती सत संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एको भरा, हे पार्वती ये जो संत संग है, संतों का जो संग है पार्वती बड़ा दुर्लभ है पार्वती, निमिष दंड भर एको भरा पार्वती। जीवन में अगर एक निमिष एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुण्य आज तुलसी सतसंगत में नासे कोटि अपराध। ये शंकर जी कह रहे हैं, हम मैंने कह रहा हूँ, शंकर जी कह रहे हैं। भोले बाबा किसको कह रहे हैं, कोई एरे गेरे व्यक्ति को नहीं, जो देवी देवी महादेवी जो है जो जगदम्बा जगत जननी कौन है, माता पार्वती को कह रही। इसलिए हमें इतने भाग्यवान आज हमें ये सत्संग मिला, समझ रहे हो। हाँ एक छोटी स्टोरी सुन लो फिर कथा, हम कथा जाएंगे। देखो ये गले में जो तिलक कट्टी धारण किए ना, इसकी महिमा सुन लो अच्छे तरह से, ये पद्म पुराणी कथा अच्छे तरह से सुना, दूसरों को भी सुनाना। ये जो तिलक और गले में जो कट्टी धारण किए, मन लगा कर सुना, फिर पूछूंगा आपसे। देखो एक समय दो पति पत्नी ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, ब्राह्मण सर्वगुण संपन्न, जो ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता नारी, पति की बड़ी सेवा करती, बड़ी पतिव्रता नारी है, खूब ब्राह्मण की खिलाना पिलाना प्यार दबाना, घर से जब आए ब्राह्मणी चरण धो करके चरणामृत लेती है, हैं बड़ी सेवा करती है पतिव्रता नारी। एक बात मत कर माता जी,
इसलिए जितने बड़ी बुढ़िया है ना सब गप्पे मारते मारते जिंदगी है, भजन तो किया ही नहीं, अभी भी वो गप्पे मारने का स्वभाव है, सत्संग में बैठ कर भी गप्पे मारते क्या तेरे सुने इधर। इसलिए क्या हुआ, अभी दोनों पति पत्नी बड़े सुख में रह रहे थे, एक दिन भगवत इच्छा से श्री नारद जी घर में आए। जब नारद जी आए उसी समय जो पति है ना वो किसी बाहर काम में गए हुए थे, जब देखा घर में संत आए हैं तब पत्नी ने बड़ी सेवा की संतों की, नारद जी के लिए रोटी सब्जी खाना बनाई, बना करके नारद जी को उन्होंने दिया। जब नारद जी को भोजन करवाए, नारद जी को भोजन किया ना, अभी तक तो उसको ब्राह्मणी को शरीर पर उनका नजर नहीं गया था, जब उसने उसको पर नजर गया ना, देखा गले में तुलसी कंठी और तिलक नहीं, गले में कंठी, ये पद्म पुराणी कथा पढ़ लेना, इसलिए गले में कंठी तिलक नहीं। नारद जी का हाय रे मेरे सारे भजन साधन कब खत्म, ये का अवैष्णव जो विष्णु मंत्र में दीक्षा नहीं ली, गले में कंठी तिलक नहीं, उसको हाथ सा भोजन की उनने उल्टी कर दी सारी तरह उसको सामने। नियम है जो लोग ठाकुर का सेवा पूजा करते हो, अगर तुम्हारी गले में कंठी तिलक नहीं, ठाकुर का कोई भी चीज छूने के लिए तुम्हारे अधिकार नहीं। ये मत समझो रोटी सब्जी बना दिया गोपालों के सामने रखते खा लिया, भगवान भूखे नहीं तुम्हारी चीज खाने के लिए, जब तक गले में कंठी तुलसी नहीं होगा ठाकुर कुछ भी तुम्हारी हाथ की खाने वाले नहीं। नारद जी उल्टी कर दिए उसको सामने। एक अवैष्णवी जो विष्णु मंत्र में दीक्षा पूजा कुछ ग्रहण नहीं की, उसको हाथ की खाना हमने खा लिया कैसे, उल्टी कर दिया उसको सामने। वो ब्राह्मणी तो बड़ी दुखी हो गई, नारद जी के चरण में पड़ गई, बोले बाबा मेरा क्या गलती हो गई, बोले तेरे गले में तुलसी कंठी नहीं और तुमने तिलक धारण नहीं की, वैष्णव दीक्षा में तुम दीक्षित नहीं ली हो, इसलिए अवैष्णव का हाथ का भोजन करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कहते ना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, अगर शुद्ध व्यक्ति के हाथ में भोजन करो तो शुद्ध बनोगे, अशुद्ध व्यक्ति के हाथ में भोजन करो तो भक्ति कभी हो नहीं सकती है। वो दुखी हो गई, पहले तो मेरे तो जीवन व्यर्थ हो गया, संत सेवा नहीं कर पाए, संतों को खिलाए वो भी उसने उल्टी कर दिए, बोले बाबा बताओ अभी मुझे क्या करनी चाहिए, बोले देखो माता जी अभी विष्णु दीक्षा में मंत्र में दीक्षा ग्रहण करो, बोले मैं दीक्षा लेना चाहते, बोले जाओ गंगा में नहा करके। तो गई गंगा में, जब नहा करके आई से नारद जी उनको गले में तुलसी कंठी दिए और उनको तिलक लगाए, तिलक लगा करके फिर उनको मंत्र दीक्षा दी, दीक्षा दे करके फिर दो बार उसने रसोई बनाई संत के लिए, फिर दो बार रसोई बनाई, रसोई बना करके फिर नारद जी को खिलाए, नारद बड़े प्रसन्न हुए। जब प्रसन्न हुए बोले गुरु जी कुछ सिखा दो, दीक्षा तो दे दिया कुछ सिखा तो दो, हमें क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए कुछ तो सिखा दो, बोले देखो जो व्यक्ति विष्णु दीक्षा में मंत्र ग्रहण नहीं किए हैं, गले में जिनकी कंठी नहीं है, जिनकी तिलक ललाट में नहीं लगाया, देखो ये पद्म पुराणी कथा जम भी यही बात बताए, जम महाराज भी यही बात जम दूतों को बताए, किसको किसको ले आना, उनने भी वह पर्चा बनाया हुआ है, चिट्ठा बनाए, बोले ललाटे तिलकम नास्ती, ये मैं नहीं कह रहा जम कह रहे, कंठ नास्ती त्रिकंठिका, जिनकी ललाट में तिलक नहीं, गले में कंठी नहीं धारण, बोले तान अनधम, वो दुष्टों को पकड़ पकड़ कर जम लोग मिले आना, ये जम महाराज का चाट बनाया हुआ है। इसलिए पद्म पुराण ने बताए, बता हमें करना क्या, बोले देखो जो अधिष्ठित व्यक्ति है उनको हाथ का भोजन नहीं करना, उनसे दूर रहना, किसी गले में तिलक तुलसी नहीं उनसे दूर रहना, उनका हाथ का दिया वक्त नहीं खाना। इसलिए जब हम बंगाल में पहले प्रचार के लिए जाते थे ना, सब जितना सब हाड़ी कलसी और जितने सब पात्र को ले लेकर जाते थे, क्योंकि उधर का लोग दीक्षा मंत्र नहीं और मांस मछली खाने वाले उनका हाथ का भोजन नहीं करते थे, फिर हम लोग अपना हाथों से बना करके वहां पर प्रसाद पाते थे, बोले इनसे दूर रहना, बोले ठीक है। अभी पति आए, पति तो भाग गया था, घर में जब पति आए, पत्नी पहले क्या करती थी, चरण धोती थी, चरणामृत लेती थी, हैं पास में बैठा करके रोटी गर्म कर रोटी पंखा चलाया करती थी, लेकिन पति तो अभी दीक्षा मंत्र लिए ही नहीं, जब दीक्षा मंत्र नहीं लिए, जब गुरु जी ने मना कर दिया ऐसा अधिक्ष व्यक्ति दूर रहना, जब पति आए अभी जैसे पहले पास में जाकर चरण धोती थी ना, अभी पास में जाकर चरण नहीं, दूर से प्यार पानी फेंका उसने पति के ऊपर, है प्यार के पास में नहीं गई, पास में नहीं बैठाए, हैं उनको दूर से रखे। अभी
ब्राह्मण तो चक्कर में पड़ गया, बोले पहले तो बड़ी सेवा पूजा करती थी, इसको क्या हो गया, ये सब दूर फेंक फेंक कर देती है, क्या चक्कर है। तब उन्होंने पूछा, बोले ऐसे क्या हो गया, बोले देखो आज हमारी घर में श्री नारद बाबा आए थे, घर में श्री नारद जी घर में आए थे, उन्होंने दीक्षा मंत्र दिया है, दीक्षा मंत्र दे करके मेरे को ये शिक्षा देकर गए, जिनकी गले में कंठी तुलसी नहीं उससे दूर रहना। अभी आपकी दीक्षा मंत्र आपने नहीं लिया संत से, गले में कंठी तिलक नहीं है, इसलिए आपसे मैं अभी दूर रहूं, और घर में भी नहीं, आप बाहर एक कुटिया कुटिया उसमें रहा था। पति तो चक्कर में पड़ गए, ऐसे पतिव्रता नारी, हाँ पतिव्रता नारी हमें बोलती है अब घर में नहीं, जो बाहर जो कुटिया उसमें रहा कर। बोले तेरे गुरु जी कौन, बोले नारद जी, बोले उनको बुला सकते हो, बोले हाँ आप बोलोगे तो। नारद जी को उन्होंने पूछा था, गुरुदेव अगर कोई जरूरत हो आपका दर्शन कैसे पाऊंगा, बोले देख बेटी जब जब तू मेरे को स्मरण करूंगा ना मैं प्रकट हो जाऊंगा, गुरु जी बोल कर गए थे। इतने में उसने नारद जी को स्मरण किया, नारद जी को स्मरण कर झट नारद जी प्रकट हो गए, बोले नारद बाबा की। उसका पति देख देख करके बोले भैया बड़ा गजब की बात है, कैसे गुरु जी का स्मरण करते गुरु जी सामने प्रकट, बड़ा आश्चर्य लगा, हमने देखा नहीं ऐसे संत जो संतों को स्मरण करते संत सामने आ जाए, बड़ा आश्चर्य लगा। गुरु जी तो चक्कर में पड़ गए, भैया कैसे गुरु जी। इतने में बोले गुरुदेव, तब बोले गुरुदेव मैं आपसे दीक्षा मंत्र लेना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरे पत्नी को दीक्षा मंत्र दी, दीक्षा मंत्र दिया तो पत्नी को तो उधार हो गए, मेरे से दूर दूर रहती है जो इतना पतिव्रता नारी, गुरुदेव हमें भी दीक्षा मंत्र दो। बोले एक काम कर जाओ नहा करके आओ, और नहाने गए तो ना, अब देखना जगत में बड़े प्रपंच लोग होते हैं, गंदे रास्ता में तो ले जाने व्यक्ति बहुत ही है, लेकिन इस सही रास्ता में लेने वाले एक अक्का दो ही को लेगा, इतने प्रपंच लोग है। जब वो स्नान करने के लिए गए, दूसरे दूसरे ब्राह्मण थे, बोले भैया क्या चक्कर है, तू तो अभी अभी नहा कर गया तो दो बार क्यों आ रहे हो, दो बार क्यों आ रहे हो। बोले मेरे गुरुदेव नारद जी बोले स्नान करके आओ, दीक्षा मंत्र देख, बोले बेकार इतना बड़ा तिलक लगाना गले में कंठी, ये कोई भक्ति भक्ति है, है? तू ब्राह्मण घर में जन्म हुए हो, ब्राह्मण घर में जन्म लिए हो, इसलिए अरे क्या जरूरत है, अरे देखो अभी पितृपक्ष चल रहा है, अभी कौन सा पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष, पितृपक्ष में नहीं लेनी चाहिए, इसलिए थोड़ा टाल दे, दुनिया में देखना है बहुत सारे लोग है, कोई शराब पीता है ना कोई मना नहीं करेगा, मना करेगा, जुआ खेलता है ताश बात कहते कोई मना करता है, लेकिन गले में कंठी तिलक लगा लो, बोले इतना बड़ी तिलक क्या है, गले में कंठी क्या है, ये क्या माला लेकर हरे कृष्ण करते हो। देखना गंदे रास्ता में ले जाने वाले व्यक्ति बहुत मिलेंगे, सत मार्ग में ले जाने वाले व्यक्ति बहुत कम है। देखो इसका गति क्या हो, लोग उसको बहका दिए, क्या दीक्षा मंत्र लोग बेकार सब चीजिए, चुप बनी जा, वो जानते हैं अगर दीक्षा मंत्र लगा तो हमारे साथ में बैठेगा नहीं, संतों के साथ बैठेगा, हमारा दल बारी कम हो जाएगा, बोले रुक जा पितृपक्ष। तो उन्होंने रुक गए, जब रुक गए हठात किया हुआ ये दोनों पति पत्नी के मृत्यु हुई, जब दोनों पति पत्नी के मृत्यु हुई, चूंकि इसने गुरु दीक्षा ली थी मंत्र ली थी, जो व्यक्ति गले में तुलसी कंठी तिलक धारण करते ना, जब स्वयं कहते हैं समझ जाना भगवान के भक्त, प्रणाम करना, प्रणाम करना उनको, पास में मत जाना। अभी उसने जा करके राजा घर में उसने राजकुमारी बनकर के जन्म ली उसका पति, और भगवान के प्रति की जो भक्ति है ना ये कभी घटेगी नहीं, इसलिए मीरा कहती है ना, दिन दिन बड़ा सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भगवान की जितना भजन हरिनाम कर रहे हैं ना कभी घटेगी नहीं, ये धीरे धीरे बढ़ेगी, और ये दुनिया की चीज आंख बंद होते ही सारे खत्म, एक सुई धागा भी तुम्हारे साथ में यहाँ से जाने वाले नहीं, तो भक्ति की भजन की राजकुमारी बनकर जन्म हुई, और भक्ति में भगवान की भजन भक्ति करती है। लेकिन उसका पति दीक्षा मंत्र नहीं लिया था तो उसका गति किया हुआ, उसने हाथी बनकर जन्म हुआ, क्या बनकर के, क्योंकि शंकर जी पार्वती को ये बात कहते, बोले पार्वती गुरु दीक्षा विहीनस्य, जो सदगुरु से वैष्णव से दीक्षा मंत्र नहीं लेते हैं पशु जोनी अपनुआत, ये शंकर जी स्वयं कहते हैं उसको पशु जीवन में जाना पड़ेगा, क्यों,
हमारा जो शरीर है, गोस्वामी जी कहते हैं किति जल पाप का गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। शरीर किस चीज बनी हुई? टाटी पेशाब खून पी के सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर इसको शरीर मर जाए ना, कीड़े बन जाए, कीड़े बढ़ जाएंगे, जानवर खा लेंगे तो बिष्ठा बन जाएगा, जला दो तो राख बन जाएगी। इसलिए अधम शरीर टाटी पेशाब का थली। लेकिन ये शरीर पवित्रता कब होता है? जब हम गुरु दीक्षा ग्रहण करते हैं तभी ये शरीर की पवित्रता। इसलिए गुरु दीक्षा नहीं लिया, इसलिए अगले जीवन में शंकर जी कहते पशु जोनी अपनवा, उसको पशु जीवन में जाना पड़ेगा। इसलिए उसने हाथी बनकर जन्म लिया। लेकिन हाथी तो बना क्यों? चूंकि पत्नी की संग की थोड़ी, पत्नी थी भक्ति करने वाले, भजन करने वाले। देखो संग का भी प्रभाव बहुत है, क्यों? पत्नी थी भक्ति करती थी, भजन करती थी पत्नी। इसीलिए पत्नी जो भक्ति करती थी उसके पुण्य से उसको तो हाथी बनना पड़ा। लेकिन वो सफेद हाथी बना। कौन सा हाथी बना? ये सफेद हाथी बड़ा दुर्लभ है, वैसे काले हाथी तो मिल जाते हैं। लेकिन चूंकि केवल वैष्णवी की पत्नी भक्ति करने का वजह से उसको कौन सा जन्म हुआ? सफेद हाथी। लेकिन वो हाथी फिर राज दरबार में आया। कहां पर आया? राज दरबार में। अभी लड़कियों का ये होता है ना, स्वयंवर सभा होता है। अब इसकी स्वयंवर सभा हुई लड़की की, बड़े बड़े राजा लोग आए थे, क्योंकि देखने में भक्ति तो की, भक्ति तो की। इसलिए दूसरे जन्म में जैसे विश्व सुंदरी है ना, बड़ी सुंदरी बन करके आई थी। हमने ये चीज को हमने देख लिया भैया, बहुत सारे जगह में गए। लेकिन जो भक्ति करने वाले है ना, भगवान सारे गुण देते हैं। पूर्व जन्म का बहुत सुकृति से कोई भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे कोई भक्ति नहीं करते हैं। हमने देखा भक्ति करने वालों को भगवान सब कुछ दिए। इसलिए परम सुंदरी बन करके आई, विश्व विश्व सुंदरी बन करके आई है। इतने में अभी स्वयंवर सभा में बड़े बड़े राजा लोग आए थे, वो उन्होंने अपना सुंदर देकर गला में माला डालेगी। लेकिन चूंकि भगवान की उसने भक्ति की हुई थी, प्रभु की भक्ति की हुई थी, इसलिए उसको पूर्व जन्म की बात याद है, पूर्व जन्म की बात याद। हठात ये पूर्व जन्म में ये मेरे पति था, पूर्व जन्म में क्योंकि भजन किया है ना। इतने में उसने जो वरमाला है, क्योंकि पति प्रता नारी थी, भले ही चला गया पशु जीवन में, उसके कल्याण करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये वरमाला लेकर के हाथी को गला में दे दिया। जब हाथी में गला, जितने बड़े राजा लोग हा से, इतने सुंदर राजकुमारी, हम इतने सुंदर सुंदर आए, हमको कोई चुना नहीं है, हाथी को चुना। इतने में पूछे भैया तुम ये हाथी को चुने क्यों? फिर उसने बोले ये मेरे पूर्व जन्म का ये पति है, इनके साथ में मैंने रहा है, ये दीक्षा मंत्र तो लेना चाहते थे गुरु जी को, लेकिन कुछ दुष्ट लोगों का असत संग से, ये असत संग से मेरा पति को बुद्धि को बिगाड़ दिया। लेकिन चाहते थे दीक्षा मंत्र लेने के लिए, लेकिन गुरु जी से दीक्षा मंत्र उन्होंने बोले पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष खत्म हो जाए हम दीक्षा मंत्र ले, इसलिए उन्होंने मर गए। इसलिए ये पशु जनी को उन्होंने प्राप्त किया। इतने में गला में माला डाल दिया, लेकिन वो तो भजन की। फिर उसने गुरुदेव को फिर याद किया, बोले गुरु जी आ जाओ, नारद बाबा आ जाओ, गुरु जी कृपा करो। जब गुरु जी की स्मरण किया ना नारद जी, बोले श्री नारद बाबा की। फिर नारद जी आ गए, बोले बेटी क्या चाहती हो? बोले गुरुदेव आप तो मेरे गुरु जी हो, आप मेरे गुरु जी हो, आप कृपा करो, ये मेरे पति हाथी बन करके आ गया, ये असत संग से दीक्षा मंत्र नहीं ली, इसको पर मैं भी कृपा करो। नारद जी बड़े दयालु, उसका सर पर हाथ रखे, हाथ रखते फिर उसने इंसान बन गया, फिर इंसान बन गया। फिर नारद जी उनको दीक्षा मंत्र दी, फिर दोनों पति पत्नी फिर भगवान की भजन करते हुए भगवान का धाम में दोनों गमन किया। इसलिए शास्त्र कहता है भैया विष्णु दीक्षा बिना जे, कभी जो भगवान की विष्णु मंत्र में दीक्षा ग्रहण नहीं करते ना, शंकर जी कहते पशु जोनी अपनवार, अगली जीवन में जानवर जीवन में तुमको जाना पड़ेगा। इसलिए भैया इसलिए क्या करो, विष्णु दीक्षा में मंत्र लेकर के भगवान की भजन करो, हरिनाम करो बस, और जीवन भगवान बारंबार नहीं देते हैं। इसलिए जीवन रहते हुए क्या करो, भगवान के भजन में लग जाओ, ठाकुर जी की भक्ति में लग जाओ, हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राम। आज कथा में सबके सब आना, आज कृष्ण रुक्मिणी किसको बना रहे हो?
किसको बना रहे? कृष्ण रुक्मणी। देखना दो 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 लड़कियों को बना देना, जो दो लड़की है ना, दो लड़कियों को बना देना, ठीक है? क्योंकि गला में माला बदल करते हैं ना, इसलिए दो लड़कियों को दीक्षित ये कर देना, ठीक है? और दोनों माला ले आना। और सुदामा किसको बना रहे हो? सुदामा देख लो किसको सुदामा बना देना। वहां पर पहले से ठीक करना, लास्ट में बोलते समय बोलोगे ये नहीं ये नहीं, ठीक है? बात कर आपस में बात, विनोद जी आपस में बात कर लो।